नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको द एल्केमिस्ट की बुक समरी बताने वाले हैं, जो हमें कमेंट्स के थ्रू मिस्टर जय ठाकुर के द्वारा सजेस्ट किया गया था। तो दोस्तों, ऐसे ही आपके पसंद की बुक्स हमें सजेस्ट करते रहें, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं द एल्केमिस्ट बुक समरी। यह एक सैंटियागो नाम के शेफर्ड की कहानी है, जो एंडलुशिया में रहता था। सैंटियागो की फैमिली चाहती थी कि वह एक प्रीस्ट बने, लेकिन उसे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था, इसलिए वह एक शेफर्ड बन गया ताकि अपनी भेड़ों के साथ हमेशा घूमता रहे। एक बार वह भेड़े चराते हुए अपनी भेड़ों का ऊन बेचने के लिए एक व्यापारी के पास पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक काले बालों वाली सुंदर लड़की से हुई, जो कि उस व्यापारी की बेटी थी। सैंटियागो को वह लड़की बहुत अच्छी लगने लगी और हर बार की तरह इस साल भी उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। सैंटियागो कहता था कि हमें लाइफ में किसी भी चेंज के लिए रेडी रहना चाहिए। उसे एक ही सपना दो बार आया, जब रात में वह एक चर्च के एक टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहां पर एक बड़ा सा साइकामोर का पेड़ था। फिर वह एक लेडी से मिलने तारीफा नाम के शहर में गया, जो सपने का मतलब बताती थी। तो उस औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड्स जाना चाहिए, जहां उसे एक खजाना मिलेगा। तो जब वह उस खजाने को ढूंढ ले तो उसका दसवां हिस्सा फीस के तौर पर वह उसे दे दे। लेकिन उस लड़के ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और शहर में घूमने लगा। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। पहले तो सैंटियागो को उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस बूढ़े आदमी के ज्ञान से वह बड़ा प्रभावित हुआ और वे दोनों बातें करने लगे। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह एक सेलम का राजा है। उसने सैंटियागो को यह भी बताया कि वह अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरह से हेल्प करता रहता है, क्योंकि सैंटियागो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान चुका था, इसलिए वह उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको यह सीखने को मिलेगा कि कैसे सैंटियागो ने अपनी बिलीफ और इंटेलिजेंस से खजाना ढूंढा और उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। आप दी एल्केमिस्ट जैसी 10,000 से भी ज़्यादा बुक्स कुकू FM पे सुन सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप हमारा कूपन कोड DBOBF3577 यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आगे शुरू करते हैं। उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि लाइफ हमेशा हमें कुछ ना कुछ साइन देती है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। फिर उसने सैंटियागो से कहा कि उसे खजाने के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके लिए फीस के तौर पर अपनी शीप्स का दसवां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सैंटियागो फिक्स टाइम पर उस बूढ़े आदमी से मिला, जिसने उसे 2 स्टोन्स दिए और कहा कि अगर अपनी मंजिल की तलाश में उसे कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वह अपना डिसीजन ले सकता है। और फिर उसी दिन वह लड़का अफ्रीका के टैंजर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वह एक बार में बैठा था, वहीं एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे पूछा कि वह इस नए जगह में क्या करने आया है। सैंटियागो ने उसे कहा कि उसे पिरामिड्स तक जाना है और अगर वह आदमी गाइड बनकर उसे वहाँ तक ले जाए तो वह उसे पैसे देगा। वह आदमी सैंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सैंटियागो देखता रह गया। वह बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वह 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वह स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। अपना पैसा खोने के बावजूद सैंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने पोस्ट एक्सपीरियंस से किसी तरह उस अजनबी शहर में सरवाइव कर गया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर उसे एक क्रिस्टल व्यापारी मिला। सैंटियागो ने उस क्रिस्टल व्यापारी से कहा कि अगर उसे वह खाना खिला दे तो बदले में वह उसका कुछ काम कर सकता है। उस क्रिस्टल व्यापारी ने उसे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखे ग्लास की चीज़ें साफ़ करने को कहा। जब वह ग्लास साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर कुछ सामान खरीदा। अब वह क्रिस्टल व्यापारी भी ओमन में बिलीव करता था, तो उसने सैंटियागो को हमेशा के लिए काम पर रख लिया। लेकिन सैंटियागो को वहाँ काम नहीं करना था, उसे तो पिरामिड जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उसके बात सुनकर वह व्यापारी हंसा और उसने बताया कि
पिरामिड वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और वहाँ तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। यह सुनकर सैंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों न काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वह वापस अपने गांव जाकर शीप खरीदे और फिर से शेफर्ड का काम शुरू कर दे। सैंटियागो ने क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनवाया ताकि वह जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर शेफर्ड का काम शुरू कर सके। फिर उसे एक आइडिया आया, क्यों ना क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेची जाए जिससे ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। और इस डिसीजन से एक बड़ा चेंज आया क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी फेमस हो गई थी और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस मिली। जब सैंटियागो के पास काफ़ी पैसा जमा हो गया था तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जाने से पहले वही शॉपकीपर से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग दी और साथ ही ये प्रिडिक्ट भी किया कि सैंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। उसे अचानक ख्याल आया कि वह जब चाहे अपने देश जाकर शेफर्ड बन सकता है, लेकिन पिरामिड जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। किंग के दिए हुए दो स्टोन्स को देखकर उसे यह ख्याल आया था। वह अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और पिरामिड जाने के लिए निकल पड़ा। वह एक वेयरहाउस पहुंचा जहां उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफ़ी बातों में सैंटियागो की तरह था। फिर वे दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवां के साथ साथ चलने लगे जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। जर्नी के दौरान सैंटियागो की अपने ऊँट चलाने वाले से दोस्ती हो गई और दोनों अपने अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों को एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि कैसे डेस्टिनी ने हर चीज़ पहले से प्लान कर रखी है, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच में उन्हें यह इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्राइबल्स के बीच में वॉर होने वाला है, जिसे सुनकर सारे लोग डर से गए थे। लेकिन वापस लौटना अब पॉसिबल नहीं था और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता होता है। अब उनका कारवां तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वॉर से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वॉर से बचता बचाता किसी तरह ओयासिस तक पहुंच ही गया। फिर वह एल्केमिस्ट अपने ओमन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतज़ार करने लगा जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवां के लोगों को ओयासिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वह इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ एल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां कुछ देर बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ जाती दिखी। वह इतनी खूबसूरत थी कि सैंटियागो उसे देखता ही रह गया। सैंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज़ वह उससे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था क्योंकि उसकी लाइफ बन चुकी थी और वह लड़की भी सैंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सैंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। फातिमा ने उसे कहा कि वह खजाने की तलाश ना छोड़े। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह इसी ओएसिस में रहकर अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर डिजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वह इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक और ओमन दिखा। दो बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया, जिसकी वजह से उस ओमन का इंटरप्रिटेशन ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। सैंटियागो ने यह बात जाकर चीफ को बताई। चीफ ने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सैंटियागो को बोला गया कि अगले दिन सब लोग वॉर के लिए रेडी रहेंगे और अगर उसके अटैक वाली बात सच हुई तो सैंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सैंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और अगले दिन उन पर सचमुच अटैक हुआ, लेकिन ओयासिस में रहने वाले भी पूरी तरह रेडी थे और सिर्फ आधे घंटे में ही उनके लीडर को छोड़कर सारे अटैकर्स मारे गए। सैंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसलर बनाने की भी बात हुई। लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए सैंटियागो एल्केमिस्ट से मिलने गया जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इन्वाइट किया था। उसने सैंटियागो को खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सैंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो एल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी और उसने सैंटियागो से कहा कि
कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसलिए वह खजाना नहीं हो सकता। सैंटियागो ने फिर से एक बार मन बनाया कि वह अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और यही बात उसने एल्केमिस्ट को भी बताई और अगले दिन वे दोनों सूरज उगने से पहले ही अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वे डिजर्ट में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सैंटियागो का दिल भारी हो रहा था। एल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वह पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े, अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे ज़रूर मिलेगा। लड़का उस डिजर्ट में अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मोमेंट उसके लिए मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफ़ी कुछ सीख लिया था और वह आज जो कुछ भी था, जहाँ पर भी था, अपनी लर्निंग की वजह से था। यह सब लाइफ की एक बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। यह प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी, जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने यह सीखा कि सफरिंग और फेल्यूर का डर एक्चुअल फीलिंग्स और फेल्यूर से बड़ा होता है। यह सब जानकर अब सैंटियागो का मन शांत था। यह सब उसने एल्केमिस्ट से शेयर किया था। उसने कहा कि अब वह अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरह प्रिपेयर है। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वे लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ शुरू कर दी। जान बचाने के लिए एल्केमिस्ट ने सैंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि उन लड़के में ऐसी पावर है कि वह उन्हें हवा बनकर दिखा देगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उन दोनों को 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सैंटियागो के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। वह बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के ख़त्म होने पर सैंटियागो ने एल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर एल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वह उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वह लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डिजर्ट से बातें करता रहा और आखिर में उसने ऊपर वाले की हेल्प से खुद को हवा में बदल कर दिखा दिया। सब हैरान रह गए और सैंटियागो शर्त जीत गया। उसे और एल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया। चलते चलते वे लोग एक मोनेस्ट्री पहुँचे। एल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड के टर्न में हो सकता था। दोनों वहाँ से अलग हो गए। एल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौटने लगा और सैंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। वह अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था और फाइनली वह पिरामिड तक पहुँच ही गया था। अपनी मंजिल देखकर वह रो पड़ा और जहाँ पर उसके आंसू गिरे वहीं उसे एक बीटल दिखा, जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक ओमन लगा और उसने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी गहरे तक खोदा मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ लोग आए। उन्होंने सैंटियागो का वह सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे एल्केमिस्ट ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने सैंटियागो की खूब पिटाई की और उसे गहरा खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उसे बताया कि उसने ड्रीम में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ देखा था, तो उन लोगों को लगा कि यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपने भी कभी सच होते हैं क्या। जाते जाते उनके चीफ ने उससे कहा कि उसने भी एक ड्रीम देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा है, जहाँ एक टूटे हुए कमरे में साइकामोर का पेड़ उगा है। यह बोलकर वह चीफ और उसके साथी वहाँ से चले गए। लड़का खुशी से हंसने लगा, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ उसे इजिप्ट के खजाने का सपना आया था। तो वाकई में कोई खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डिजर्ट में पिरामिड्स तक पहुँचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का पता नहीं चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। सैंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वह उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 देने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वह खुशबू महसूस हुई जो उसे अच्छे से याद थी और जो अभी उसके होठों पर एक याद बनकर बैठी थी। यह खुशबू थी फातिमा की। उसने अपने प्यार को बड़ी ज़ोर से आवाज़ दी, मैं आ रहा हूँ फातिमा। तो दोस्तों, आपको यह समझ में तो आ ही गया होगा कि भले ही हमें कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल सकती है, लेकिन जब तक उस चीज़ तक पहुँचने का मार्ग मेहनत से नहीं भरा होता है, तब तक उस चीज़ को पाने की असली खुशी हमें महसूस नहीं हो पाती है। साथ ही यह कहानी यह भी बताती है कि असल खजाना यानी कि असली ज्ञान तो हमारे खुद के अंदर छिपा होता है। ज़रूरत बस उसे पहचानने की और सही दिशा में इसका इस्तेमाल करने की है। हम इसी तरह की मोटिवेशनल बुक्स रोज़ लेकर आते रहते हैं, तो सीखते रहिए और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमें और समरीज बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।
आप इस बुक को अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।